तो पहले तो पता था कि 2024 के आईपीएल में सरफराज खान को किसी भी टीम ने नहीं खरीदी है, पर अब लग रहा है कि सरफराज खान को आईपीएल में करोड़ों की लॉटरी लग सकती है। सरफराज खान का सिक्का इस समय अपने पीक पर है और जिस तरह का परफॉर्मेंस सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच में किया है, हर चीज आईपीएल के सिलेक्टर के दिमाग में घुस गया होगा। उन्होंने अपने डेब्यू में टेस्ट क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी कर दिखाई। इस समय आईपीएल खेलने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल 5 खिलाड़ी चोटिल हैं। वो भी पांचों बड़े खिलाड़ी हैं जो कि चोटिल हैं। इन खिलाड़ियों के दाम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। अगर ये आईपीएल आने से पहले तक पांचों खिलाड़ी ठीक नहीं होते हैं या फिट नहीं होते हैं, तो इन सब में से किसी न किसी एक की जगह सरफराज खान को मौका मिल सकता है। तो वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उनका कितना कितना दाम है, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं सब पंत, क्योंकि इस आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अभी क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं। पहले न्यूज आ रही थी कि अब ऋषभ पंत क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनकी फिटनेस ठीक होने ही वाली है, क्योंकि ये अपडेट अभी तक नहीं आया है कि ऋषभ पंत आगे क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं। ऋषभ पंत की सैलरी है 16 करोड़। पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है। ऋषभ पंत पिछले साल भी आईपीएल नहीं खेल पाए थे, अगर इस साल वो खेलेंगे तो कप्तानी जरूर करेंगे, पर अभी तक वो फिट नहीं हो पाए हैं। अगर ऐसे में मान लीजिए 1% भी चांस बनता है कि ऋषभ पंत नहीं खेल पाते हैं, पर बड़े सारे लोग मान रहे हैं कि वो खेलेंगे इस बार का आईपीएल, अगर मान लीजिए नहीं खेलते हैं, तो ऋषभ पंत की जगह सरफराज खान दिल्ली कैपिटल्स में आ सकते हैं। और दूसरी बात कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो पहले भी खेल चुके हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन अभी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं। हाल ही में न्यूज आया था वो झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। वो अभी ज्यादातर अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। आईपीएल में इनकी जो कीमत है वो है 15.25 करोड़। यानी कि अगर ईशान किशन आगे भी क्रिकेट नहीं खेलते तो फिट नहीं हो पाते। साथ ही साथ बीच में ये न्यूज भी आया था कि ईशान किशन को शायद बीसीसीआई ऑफ क्रिकेट से हटाने वाला है। तो अगर ये न्यूज सच हुआ तो शायद सरफराज खान एमआई भी जा सकते हैं। सरफराज खान ऊपर बैटिंग कर भी रन बना सकते हैं और अटैकिंग और नीचे भी खेल सकते, अटैकिंग पारी भी खेल सकते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो कि अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस के नए नए कैप्टन बने हैं। वो भी अभी तक फिट नहीं है। कि हार्दिक पांड्या अगर अभी फिट होते तो वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे होते, कोई ना कोई क्रिकेट वो जरूर खेल रहे होते, चाहे तो डीवाई पाटिल या रणजी ट्रॉफी। इनकी सैलरी जो है वो 15 करोड़ है। अगर मान लीजिए हार्दिक पांड्या भी किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बीच में इनके और रोहित शर्मा की वाइफ के बीच में कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिली थी। साथ ही साथ ये भी न्यूज आ रहा था कि रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को अनफॉलो कर दिया है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हार्दिक पांड्या अभी तक फिट नहीं है। अगर ये आईपीएल आने तक फिट नहीं हो पाएंगे, शायद हो सकता है कि मुंबई इंडियंस इनकी जगह सरफराज को ले सकता है। साथ साथ श्रेयस अय्यर का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अभी चोटिल है। श्रेयस अय्यर अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है। श्रेयस अय्यर भी अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं। कहा है कि मुझे बैक में स्पैज्म हो गया है, चलते अभी मैं आगे क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इनकी सैलरी जो है वो 12 करोड़ 25 लाख रुपए है। ऐसे में अगर आईपीएल तक ये भी फिट नहीं हो पाते हैं तो इनकी जगह भी सरफराज आ सकते हैं खेलने। साथ साथ मुंबई के एक और बड़े खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का रिहैब अभी भी बाकी है। सारे लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि सूर्य कुमार यादव कब वापसी करेंगे, अभी तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। कुमार यादव मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, इनकी सैलरी 8 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर सूर्य कुमार यादव भी फिट नहीं होते हैं तो सरफराज को मौका इनकी जगह भी मिल सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सूर्य कुमार यादव शायद आईपीएल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, पर आप लोग देख सकते हैं कि अब ये रियलिटी में नजर आ रहा है कि वो सरफराज खान जिसका 2024 के आईपीएल के ऑक्शन में अपमान हुआ कि किसी भी टीम ने सरफराज खान को नहीं खरीदा, सब ने उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया कि भाई आप आईपीएल के लायक नहीं हो, पर वहां उन्होंने हार नहीं मानी और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर अपना छाप छोड़ दिया। इनकी इस परफॉर्मेंस के चलते आईपीएल की फ्रेंचाइजेस और टीमें भागेंगी उनके पीछे। जब उनके प्लेयर अगर फिट नहीं होंगे, इंजर्ड होंगे, तो उनकी जगह सरफराज को लाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि सरफराज की डील तो करोड़ों में आएगी, पर उनको पैसे उतने ही मिलेंगे जितना उनका बेस प्राइस है। सरफराज का बेस प्राइस मात्र 50 लाख रुपए का है। सरफराज के लिए ऐसा होगा कि उन्हें कम से कम आईपीएल में खेलने का मौका तो मिलेगा और अगले साल तो मेगा ऑक्शन होना तय है। तो ऐसे में सरफराज का एक सीजन खेलकर 50 लाख में और अगले साल 5 करोड़ या 10। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सरफराज खान को इस बार के आईपीएल में कोई विड्रॉल करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। धन्यवाद।